बस बाबू नीचे। हम अंधेरी रातों में हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है भटक रहे हैं। हम लोग घूम रहे भटक रहे पूरा। हम लोग आज आए हैं कौन सी फिल्म देखने? रॉकेटरी। नो रॉकेटरी, शमशेरा। आई लाइक रणबीर कपूर, आई विल वॉच शमशेरा ओनली। हाँ मैम, आप बोल रहे थे शमशेरा देखने आप आए हो। ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है, बट रिस्पॉन्स सुबह से इतना डाउन आ रहा है मूवी का, क्या लगता है आपको शमशेरा के बारे में? अरे देश की जनता को क्या हो गया है, सांप सूंघ गया है क्या? क्या हो गया है? 4 साल के बाद रणबीर की फिल्म आ रही है और आलिया से शादी हुई, कितना लकी है आलिया। अभी फिल्म देखो, मैं जा रही हूँ खुद, मैं, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा स्वीट हार्ट, मेरा लालू। पापू देखो, हम लोग रात को सब लोग सो रहे हैं लेकिन हम लोग थिएटर में आए हैं शमशेरा देखने के लिए। मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में तागड़िक 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 जो रणबीर जो यू नो घोड़े दौड़ा रहा है, मुझे वो जो बहुत अच्छा लगा। वो मैंने सुना डबल रोल है, फिर मैंने सुना कि इसमें दो हीरोइन है, एक कौन है हीरोइन, कौन है इसमें? हाँ एक वानी कपूर है और कौन है? संजय दत्त। संजय दत्त हीरोइन थोड़ी है। और कौन है? संजय दत्त तो विलन प्ले कर रहे हैं ना, विलन प्ले कर रहे हैं, काफी डिफरेंट लुक लग रहा है उनका। वानी का आइटम सॉन्ग बहुत खतरनाक है, मैंने सुना है, देखा है, तो मुझे थोड़ा यू नो। और 4 साल के बाद फिल्म आ रही है भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, कहाँ छोड़ रहे हो बापू मुझे, क्यूटी भाई? और रणवीर सिंह, 4 साल के बाद फिल्म आ रही है। रणवीर सिंह का जो पोस्टर पे आपने सपोर्ट किया, काफी फैन बोल रहे अच्छा हुआ राखी जी ने सपोर्ट किया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे फैंस के बारे में? नहीं मैं देखिए, मैं सच कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी तरह रणवीर ने भी बूस्टर लगाया है। जब बूस्टर लग जाता बॉडी में ना, आग लग जाती है और शरीर गर्म हो जाता है, और जब आग लग जाती है ना तो कपड़े अपने आप निकल जाते हैं। जब मैंने बूस्टर लगवाया था तो मैं आदिल को मिलने भाग गई थी, ये बात अलग है कि ये मुझे मिले ही नहीं, ये मुझे मिले। आप क्यों आंख बंद कर रहे हो? पूरा बाल मार रहे हो मुझे आंख के अंदर। वो आई एम सो सॉरी। अच्छा तो आप समझ रहे हो, वो आग लग जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रणवीर ने बूस्टर पक्का लिया है, इसलिए उनके एकदम। आपको क्या लगता है? लेकिन क्या हॉट लग रहा है, सिक्स पैक, एकदम हॉट बॉडी, ओ माय गॉड। मेरे को बोलती है गाड़ी में बैठ के, रणबीर जैसा तुम भी करो, आओ मैं घर में फोटो खींचती। जिम जा रहे, काफी मेहनत हो रही है। ये मेरी पोल खोल रहा है, काफी मेहनत कर पापा, वो हमारी पर्सनल बात है। मैं बोलता हूँ, मैंने पूछा रणबीर का, सच में तुमको फोटो अच्छा लगा था? बोलती है हाँ बहुत अच्छा लगा था, अभी चलो तुम घर, तुम कैसा करो मैं भी तुम्हारी फोटो खींचती हूँ। तो मैंने उसको बोला तुम भी वैसे रणवीर की तरह ऐसे ऐसे पोज मारो, मैं अच्छा फोटो शूट करती हूँ। फोटो शूट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। वो क्यों बताए? बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय द मूवी। आप क्या बुझ रहे थे शमशेरा का? शमशेरा के बारे में क्या? ट्रेलर काफी अमेजिंग है। मैं कहती हूँ अंडा इतना अच्छा है तो बिरयानी कैसी होगी, चिकन इतना अच्छा है एकदम सिजलिंग, तो आप सोचो ना क्या मस्त मूवी मुझे लगता है कि होने वाली है। देश की जनता को सपोर्ट करना चाहिए आर्टिस्टों को। जाएंगे मूवी देखेंगे और आके बताएंगे रिव्यू। आखिर लास्ट कुछ समय अगर तुम नींद ना आ जाए तो आके मैं रिव्यू बता सकती हूँ। तुम खोपचा पकड़ लो इधर, या तो चलो साथ में फिल्म देखने। ठीक है ठीक है, आप एंजॉय कीजिए मूवी की। हाँ मैं आके रिव्यू बताऊँगी, बट मुझे ऐसा लगता है रणवीर ऐसी वैसी फिल्म नहीं करेगा। अच्छी फिल्म है, डबल रोल है रणवीर की, अच्छी, इज अ वेरी नाइस चॉकलेट बॉय हीरो। चलो चलो अभी हम लोग का लेट हो जाएगा। मैसेज भी आया रणवीर सिंह का, हमने देखा काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। ऑफ कोर्स बारे में कुछ बता, ही इज माय फ्रेंड ना भाई। हां कोई वॉइस नोट भी आया था, क्या क्या था वो वॉइस नोट में, कुछ तो देखा हमने। हां फ्रेंड है हम लोग। आई रिमेंबर रणवीर ने सबसे पहले जब उनकी पहली फिल्म आई थी उनसे मुझे ऑटोग्राफ लिया था, और मैंने तुम्हारी फिल्म इतनी सुपरहिट हुई है और तुम मुझसे ऑटोग्राफ लेते हो, यू आर अ स्टार। तो उसने मुझे हमेशा कहा मैं तो मेल राखी सावंत हूँ, बिकॉज ये जो जॉली ना मेरी तरह,
वो किसी सबको हंसाता है, एंजॉय करता है, किसी को रुलाता नहीं, उसमें थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं है, दूसरों में तो कुट कुट के भरा हुआ है, यू नो स्टार ऐसा ही होना चाहिए, उसके पास क्या कमी है, अब उसकी मर्जी कपड़े पहने या कपड़े निकाले। थैंक यू सो मच, एंजॉय द मूवी।